Welcome to the club. Burn up. Burn out. Burn, burn out. Burn up again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। अच्छे हो ना, मुझे आपको देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, सोच रहे हो ना कैसे, क्योंकि आप सब अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो। क्या आप एक चीज जानते हो, आप जो अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो, प्रभु के लिए बहुत सारी महान चीजें करने वाले हो। मैं आप सबसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, सोच रहे हो ना क्या सवाल है? बिल्कुल मत सोचो, आप जैसे अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता और वो सारे छोटे बच्चे जो अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता बनने वाले हैं, उनके मन में एक संदेह आएगा। अब ये क्या संदेह है, आप यही सोच रहे हो ना? अब एक शो आने वाला है, वो शो देखकर ही आपको वो संदेह और उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो क्या हम वो शो देखें? चलिए। अरे जैस्मिन, क्यों इतनी देर लगा रही है लड़की? आधा घंटा हो गया जब मैंने कॉल किया था और अभी तक नहीं आई है। उसका घर इतने पास है फिर भी इतनी देर लगा रही है। रोज रोज हाँ, रोज रोज, हाँ, रोज। अरे जैस्मिन तुम आ गई, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, इतनी देर लगती है क्या? अरे तुमने मुझे सुबह सुबह कॉल किया था। हाँ पता है, मैं इतनी जल्दबाजी में आई ये सोचने के लिए कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया। बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ एक घंटा हो गया जब से तुम्हें फोन किया और तुम कह रही हो कि तुम जल्दी आ गई। तुमने तो अपने बाल तक नहीं बनाए हैं। हाँ ठीक है क्या हुआ, क्या तुम कहीं गिर गई, क्या किसी विषय में फेल हो गई? बताओ बताओ बताओ, बताओ। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच सकती हो क्या? हाँ मैं तुम्हें अपनी दोस्त बुलाती हूँ और तुम कह रही हो कि मैं गिर गई क्या, मैं फेल हो गई क्या, ऐसा पूछती हो? अच्छी बातें नहीं बोल सकती हो क्या? ठीक है बताओ ना क्या हुआ। ए तुम्हें कुछ पता है, मैंने तुम्हें एक संदेह पूछने के लिए बुलाया है। अरे ये तो तुम स्कूल में भी पूछ सकती थी ना, अभी क्यों पूछ रही हो? हाँ ए, मैं उतना इंतजार नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं पागल हो जा रही हूँ सोच सोच कर, और ये मुझे और कुछ भी करने नहीं दे रहा है, ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। पता है सुबह से मैं यही सोची जा रही हूँ। ठीक है बताओ क्या संदेह और कौन से विषय में? अरे मुझे पढ़ाई के विषय में कोई भी संदेह नहीं है। पता है कल से ना मैं ना प्रेरित हो रही हूँ कि बोलो बोलो बोलो, उसे सब कुछ बोल दो, ऐसा किसी को कहने के लिए मुझे कल से हो रहा है। अरे मुझे स्पष्टता से बताओ किसके विषय में और कौन तुम्हें बता रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनना। हाँ तुझे याद है कि स्कूल में मेरे आगे की बेंच में एक लड़की बैठती है? हाँ वो गीता है। हाँ वही है। तुम्हें पता है मुझे ना प्रेरित किया जा रहा है कि मैं उसे बोलूं कि वो उसके फोन पे अनचाही चीजें ना देखे। पर क्यों, हमें भविष्यवाणी के बारे में सिखाया था ना उन्होंने? हाँ कि अगर हमने ऐसा कुछ दर्शन में देखा है तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। क्या है ये रोज प्रेरित की जा रही हूँ क्या है? जो देखा है सही से बताए ना। मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये विचार बार बार मुझे आ रहे हैं, समझी ना? अब मैं समझ गई। हाँ समझ गई। हाँ तो ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है तुम्हारे अंदर के अभिषेक ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या अभिषेक? हाँ हमें कहा गया था ना कि
अभिषेक में भविष्यवाणी करने के लिए हमें पहले दर्शन देखने चाहिए, फिर भविष्यवाणी करनी चाहिए, या फिर होने से पहले भविष्यवाणी करनी चाहिए, या तो ऐसा होगा या वैसा होगा। लेकिन ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे एक को दूसरे के साथ मत मिलाओ, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। इसे आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना कहते हैं, समझे? अरे तुम फिर से वही चीज कह रही हो ना, पर मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। सुनो, पवित्र आत्मा ना तुम्हारे अंदर से सब उजागर करेगी, समझे? हाँ, जब तुम प्रभु के सामने इंतजार करोगे और प्रार्थना करोगे, तुम्हारी आत्मिक आँखें खुल जाएंगी, तब तुम वो चीजें देखोगी जिसके विषय में भविष्यवाणी करनी है आत्मा से प्रेरित होकर, और तुम प्रभु की आवाज भी सुन पाओगी, समझी? अब तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, अब तुम एक भविष्यवक्ता हो। अब से मुझे कुछ भी मत पूछना, ठीक है? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं ना प्रभु के सामने इंतजार करूंगी और प्रार्थना करूंगी अगर मुझे इस तरह के विचार आते हैं तो। तुम यही कह रही हो ना कि ये भी एक तरह का भविष्यवक्ता का अभिषेक है? हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो। तो इसे कहते हैं आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना, ठीक है ना? इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर कंफ्यूज मत करो। अगर तुम्हें कोई विचार आते हैं तो प्रभु को प्रार्थना में पूछो। आगे तुम्हें क्या करना है वो यीशु पिता तुम्हें बताएंगे। मुझे बुलाकर गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं जाकर थोड़ी आइसक्रीम बनाती हूँ, ठीक है ना? इतना बड़ा मुंह मत खोलो। चलो चलो, जाते हैं हम रसोई घर में, चलो चलो। आइसक्रीम कितनी अच्छी थी। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मेरी दोस्त की तरह आपके भी पास बहुत सारे संदेह होंगे ना? हाँ, मुझे पता है, पता है। ऐसी चीज आपके साथ हो तो भयभीत ना होना, क्योंकि ये है आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना। जब भी आपके साथ हो तो प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करो और अच्छे से प्रार्थना करो, स्पष्टता प्राप्त करके भविष्यवाणी करो। दोस्तों, क्या आप सबने पपेट शो देखा? उसमें से दोस्त ने क्या किया, वो संदेह से भरी हुई थी, ओहो ये क्या है, उसके अंदर सारी चीजों के बारे में सोच रही थी, पर उसकी दोस्त ने उसे बताया कि इसे कहते हैं आत्मा के अंदर भविष्यवाणी करना, आत्मा प्रेरित करती है भविष्यवाणी करने के लिए। इसी तरह से आपके साथ भी यही चीजें होंगी, आपकी आत्मा प्रेरित करेगी, आपको बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे किसी के विषय में, फिर आप संदेह करोगे कि ये आपकी अपनी कल्पना है कि या कुछ और है, ऐसा आपके मन में संदेह आएगा, है ना? ऐसे ही संदेह आएगा ना, पर कोई चिंता नहीं करनी है। पर इसके जवाब की चर्चा मैंने अपने दोस्तों के साथ की है, ध्यान से सुनना आप लोग। चलो सुनते हैं। दोस्तों, आप दोनों कैसे हो? अच्छे दीदी। अच्छे हो ना? अच्छे से बाइबल पढ़ रहे हो? पढ़ रहे दीदी। दोस्त प्रार्थना कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे दीदी। ठीक है, यीशु पिता की घर पर अच्छे से आराधना कर रहे हो ना? हाँ दीदी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आज कौन गाने वाला है बताओ? मैं गाऊंगी। ओ, तुम गाओगी, बढ़िया। कौन सा गीत? उयर मलयो। ठीक है, गाओ। हाँ, जहाँ भी मैं जाऊँ आप मेरी शरण हो, कोई बुराई नहीं छू सकती, नष्ट करने वाले पानी से मैं घिरी हूँ, एक बूंद भी छू नहीं सकती, मैं एक छोटी सी कमजोर बकरी की तरह थी, मैंने आपकी परछाई में शरण ली, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो चाहे वो समतल जमीन हो, आप ही मेरे प्रभु हो, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो चाहे वो समतल जमी हो, आप ही मेरे प्रभु हो। कोई भी स्थिति में आपकी आराधना करूंगी, मेरे यीशु पिता पूरे दिल से आपकी आराधना करूंगी, पूरी चढ़ाई में सुंदर है आपकी हथेली जो मुझे गिरने से बचाती है, और ढलान में
सुंदर है आपकी उंगलियां जो मुझे पीछे से पकड़े रहती हैं। चाहे कोई भी स्थिति में मैं हूँ, आपकी सुंदरता मुझे नहीं छोड़ती। चाहे कोई भी स्थिति में मैं हूँ, आपकी सुंदरता मुझे नहीं छोड़ती। आपका स्वभाव अद्भुत है, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो चाहे वो समतल जमीन हो, आप ही मेरे प्रभु हो। चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो चाहे वो समतल जमीन हो, आप ही मेरे प्रभु हो। कोई भी स्थिति में आपकी आराधना करूंगी, मेरे यीशु पिता पूरे दिल से आपकी आराधना करूंगी। कोई भी स्थिति में आपकी आराधना करूंगी, मेरे यीशु पिता पूरे दिल से आपकी आराधना करूंगी। वाह, तुमने कितनी अच्छी तरह से गाया है ना लतिका, समीक्षा ने अच्छे से गाया ना। हाँ दीदी। समीक्षा, क्या तुम संगीत सीख रहे हो? नहीं, यशो पिता ने मुझे ये उपहार दिया है दीदी। बढ़िया, तो तुम यशो पिता के लिए ही ये प्रतिभा इस्तेमाल कर रही हो ना। हाँ। बढ़िया, ठीक है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, यदि तुम्हें भी ऐसे कोई अनुभव हुए हैं तो तुम मुझे जरूर बता सकते हो, बताना। हाँ, तो मुझे एक चीज बताओ कि भविष्यवक्ता ये क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है ना? जो आंखों से देखते हैं उसकी भविष्यवाणी करते हैं, दर्शन में जो देखते हैं उसकी भविष्यवाणी करते हैं, और फिर प्रभु जो उनसे कहते हैं उसके विषय में भविष्यवाणी करते हैं। आत्मा में प्रेरित होकर वो भविष्यवाणी करेंगे, और इसके विषय में हम आज देखने वाले हैं, आत्मा में प्रेरित होकर भविष्यवाणी करने के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना? दो पत्रस की किताब से पहला अध्याय और 21वें वचन में लिखा है, और वो वचन क्या है, क्या हम वो देख सकते हैं? दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 21वां वचन देखेंगे, और मैं पढ़ने वाली हूँ, क्या तुम दोनों ध्यान से सुनोगे? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ठीक है ना? तुम भविष्यवाणी करते हो ना, तो अपने आप की कल्पना से क्या तुमने कभी भविष्यवाणी की है? नहीं, नहीं, नहीं। लतिका, समीक्षा, तुम दोनों आते हो ना, क्लब में आते हो, सभाओं में आते हो, शिविर में आते हो, तो जब तुम लोग प्रार्थना करते होते हो तुम्हारे दोस्त भविष्यवाणी करते हैं, हुँ? क्या तुमने कभी अपने दोस्तों को भविष्यवाणी करते हुए देखकर ऐसे ही मनचाही भविष्यवाणी की है? उन्होंने कहा है तो हम भी कहेंगे, जो हमें समझ में आता है वो हम बोलेंगे, दोस्त ने बोला है तो हम भी बोलने वाले हैं। क्या तुमने कभी अपने शरीर की अभिलाषा से या ऐसे ही बोलने के लिए भविष्यवाणी की है? नहीं दीदी, नहीं, नहीं ना। तो भविष्यवक्ता कभी भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बाइबल के इस वचन में लिखा है जहाँ कहा गया है कि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। किसी व्यक्ति के विचारों से भविष्यवाणी नहीं आ जाती। भविष्यवाणी कैसे आती पता है? पवित्र आत्मा के प्रेरित करने से आती है, ठीक है ना? कुछ चीजें आपके अंदर ही बनती हैं, ठीक है ना? लतिका, जब तुम बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रही होगी उसी समय किसी व्यक्ति की आवाज तुम्हारे अंदर से आएगी कि समीक्षा कहीं पर कमजोर है या वो अच्छे से प्रार्थना नहीं कर रही है। समीक्षा, बुरा मत लगाना, तुम अच्छे से ही प्रार्थना करती हो, ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर ऐसा नहीं तो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रेरित करेगी वो सब चीजें नहीं जो वो नहीं कर रही है, पर वो सब चीजें जो प्रभु उसके द्वारा करना चाहते हैं, जो प्रभु ने उसके लिए योजना बनाई है, जो उसके द्वारा करेंगे। ये बहुत अलग चीज है देख के और सुनकर भविष्यवाणी करना, पर जब तुम देखे और सुने बिना प्रार्थना करते हो यीशु पिता तुम्हारे अंदर से ही एक भाव उत्पन्न करेंगे। समीक्षा का नाम या चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें उसके बारे में याद दिलाया जाएगा। तुम्हारे अंदर एक भावना आएगी जो तुमसे कहेगी कि तुम उसके लिए भविष्यवाणी करो कि प्रभु तुम्हारे लिए कुछ चीजें करने वाले हैं। ये तुम्हें उसे बताना होगा, और इसे कहते हैं प्रेरित होना। तुम अंदर से क्या होगे? प्रेरित होंगे। तो तुम आत्मा में जाने के बाद ये कह रहे हो क्या? नहीं ना। आपने कभी प्रभु की आवाज सुनकर भविष्यवाणी की है या फिर स्वर्गलोक के संतों की आवाज सुनकर भविष्यवाणी की है? क्या आप दोनों ने इन दोनों स्थितियों में भविष्यवाणी की है? हाँ, की है। की है तुमने ना, इस तरह से भविष्यवाणी की है, ठीक है ना?
क्या आपने आत्मा में प्रेरित होकर भविष्यवाणी की है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो, वैसे किसी ने आपसे बात नहीं की है या आपने कुछ देखा नहीं है, उस वक्त क्या आपने आत्मा में होकर भविष्यवाणी की है? नहीं दीदी। अच्छा, तुम दोनों ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये सबसे बुनियादी चीज है उन लोगों के लिए जो भविष्यवक्ता बनने वाले हैं, ठीक है ना। वो अच्छे से प्रार्थना कर रहे होंगे, उन्होंने दर्शन भी नहीं देखे होंगे, प्रभु की आवाज भी नहीं सुनी होगी, तो फिर भी वो लोग अच्छे से प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे वो प्रार्थना करते जाएंगे, उन चीजों का उनके सामने खुलासा होगा, आत्मा में वो प्रेरित होंगे और वो भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। उसके बाद ही वो आगे के कदमों में बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसे आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना कहते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो गया तो आप अच्छे से भविष्यवाणी कर सकते हो। पर हमारे दोस्त अभी नए हैं, वो भविष्यवक्ता बनने में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, तो उनको बहुत संदेह होंगे। हम लोग अच्छी तरह से प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते हमारे अंदर से एक भावना बाहर आई, ठीक है, ऐसी जैसे कि कोई कार्य या कोई व्यक्ति के विषय में कोई कुछ कहना चाहता है। तो तुम्हें कैसा होना है? भयभीत नहीं होना है। भयभीत हुए बिना आपको प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करना है और उसे प्राप्त करना है, ठीक है ना। प्राप्त करने के बाद आपको उसकी भविष्यवाणी करनी है, और इसे कहते हैं आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना, ठीक है ना। अगर प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा आपसे कुछ इसी तरह से कहना चाहती है, तो आपको उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है या डायरी में लिख लेना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप उसे अपनी कल्पना सोचकर खेलने चले जाओगे तो वही भावना आपके अंदर से चली जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है और आपको यीशु पिता से ये पूछना है कि यीशु पिता, इस तरह का विचार मेरे अंदर आया है, और प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी, स्पष्टता से उसके विषय में मार्गदर्शन करेगी, ठीक है ना। आपको अंदर से पता चलेगा प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। आपको अपनी बाइबल में देखना है। जब आप ऐसा करोगे, प्रभु उसकी तुलना वचन के साथ करेंगे। जो वो आपसे बात करते हैं, जो आपको अंदर से भावना आती है, वही प्रभु ने उस वचन में कहा हुआ है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से प्रार्थना करके उस व्यक्ति को बता देना है। जब आप उसे बता दोगे तो ये आप दोनों के लिए आशीर्वाद साबित होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से, आसानी से, आत्मा से प्रेरित होकर उस व्यक्ति के विषय में अच्छे से भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, इस बात को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। जब ये अनुभव आपके अंदर आता है, आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है, प्रभु को समर्पित होकर प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी। इसके बाद आप अच्छे से प्रार्थना करोगे। दीदी, दोस्तों, क्या आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना? अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो आपके साथ हो रहा था और जो आपके साथ हो रहा है। हाँ बच्चों, इससे आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। जब ऐसी चीजें आपके अंदर आती हैं, तो आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, पर अच्छे से प्रार्थना करनी है। आपको पता है ये क्या है? आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करना है ये। तो आपके अंदर जब ये चीजें आए, तब आपको क्या करना है? भयभीत हुए बिना प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और प्रार्थना करनी है, और प्रभु आपको सब स्पष्टता से दिखाएंगे, और प्रभु जो आपसे कहते हैं आपको उसके विषय में भविष्यवाणी करनी है, ठीक है ना। तो आज के बाद आपको क्या नहीं करना है? आपको डरना नहीं है और आपको संदेह तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं ताकि इस तरह का भविष्यवक्ता का अभिषेक हमारे अंदर काम कर सके। तो दोस्तों, क्या आप सब प्रार्थना के लिए तैयार हो? चलो प्रार्थना करें। बच्चों, क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? हाँ, इसी अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्रभु आपको कहना चाहते होंगे, वो आपके दिल में आ सकता है, तो आप क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे ना। पर आज के बाद हमें ऐसा नहीं होना है। प्रभु से अभिषेक प्राप्त करने के बाद हमें उसके बारे में साहसी होकर भविष्यवाणी करनी है, ठीक है ना। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु पिता, अच्छे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सेना के प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेना के प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेना के प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। ओरी बारा बारा शेखेरे बारा हरा बारा हेरे बारा कारा बारा शेरे बारा हरा बारा ओरी बारा 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 हरा बारा शेरे बारा खरा बारा हरा बारा हरा बारा बारा शेरे बारा खरा बारा ओरे बारा
अच्छी तरह से अपना मुंह खोलकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। सारे बच्चों प्रार्थना करो, सारे बच्चों अच्छे से प्रार्थना करो। जैसे आप प्रभु से बात करोगे, प्रभु आपको भर देंगे अपने भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ। अपना मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रबा 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 शेरे बारा खरा बारा ओ रिबा रबा शेरे बारा खरा बारा हरा बारा शेरे बारा खरा बारा 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 ओ रिबा रबा बारा बारा हरा बारा शेरे बारा खरा खरा बारा 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 ओ शेखेरे बारा 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 हरा बारा हरा बारा शेरे बारा खरा बारा बारा ओ रे बारा 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 शेरे बारा शेरे बारा शेरे बारा खरा बारा 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 ओ रे बेरे 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 बारा शेरे बारा शेरे बारा शेरे बारा खरा बारा 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 ओ रा बारा 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 बारा। और अब इसी समय में लतिका हमारे लिए प्रार्थना करने वाली है ताकि हम आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करें और उसका संदेह ना करें। लतिका अब हमारे लिए प्रार्थना करने वाली है, चलो हम सब मिलकर उसके साथ प्रार्थना करें। यीशु पिता आपकी स्तुतियो स्तुतियो स्तुतियो, पिता आपकी स्तुतियो, यीशु पिता आपकी स्तुतियो स्तुतियो, यीशु पिता जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु पिता सारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता, यीशु पिता अपने अनुग्रह से उन सबकी मदद कीजिए यीशु पिता, यीशु पिता जिन लोगों को आपने चुना है भविष्यवक्ताओं की तरह आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करने के लिए, अगर उनको इस तरह के अनुभव होते हैं यीशु पिता उनकी मदद कीजिए यीशु पिता, ताकि वो विश्वास कर सके कि ये विचार आपने उन्हें दिए हैं यीशु पिता, आपने दिए यीशु पिता, आपको उनको आशीर्वाद देना है इसके लिए यीशु पिता। यीशु पिता हम सब बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु पिता, इन सारे छोटे छोटे भविष्यवक्ताओं को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता इन सबको, यीशु पिता इन सबको आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करने का उपहार प्रदान कीजिए यीशु पिता, सारे बच्चों को ये उपहार प्रदान कीजिए यीशु पिता। शेखेरे बारा हरा हीरे बारा खिले खारा बारा हरा बारा शेरे बारा ओरा बारा खिले बारा खिशीरे बारा बारा शेरे रा बारा 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 ओरे बेरे बेरे हरा बारा शेरे बारा हेरे बारा शेरे बारा हरा बारा बारा ओरे बेरे शेरे बारा हरा बारा शेरे शेरे बारा 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 शाकेले बेले बेरे शेरे बारा शेरे बारा 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 बारा। यीशु पिता ये प्रोग्राम देखने वाले सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता, यीशु पिता अपने अनुग्रह से यीशु पिता उन सबकी मदद कीजिए जो भविष्यवाणी करना चाहेंगे आत्मा से प्रेरित होकर, उनको बदल दीजिए यीशु पिता, उनको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। आपके भविष्यवक्ता का उपहार यीशु पिता सब बच्चों को मिलना चाहिए यीशु पिता, उन सबको ऐसा बनना चाहिए यीशु पिता जो आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर सके यीशु पिता, भविष्यवाणी कर सके यीशु पिता, अपनी भविष्यवाणी को वो समझ पाए यीशु पिता। ऐसा कीजिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि वो आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। वो सब लोग यीशु पिता जब वो प्रार्थना करते हैं यीशु पिता, जब वो बाइबल पढ़ते हैं यीशु पिता, तब उनके अंदर आपके ही विचार आए यीशु पिता। ओरे ले शेरे खेरे बेरे खेरे हरा बरा शरा बरा हरा हर ओरे केरे बेरे शेरे बेरे खेरे बरे हरा बरा शेरे बरा हरा बरा ओरे बला खला बरा शेरे बरा खरा बरा हरा बरा 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 ओरा बरा शेरे बरा खरा बरा शेरे बरा खरा बरा बरा ओरा बरा बरा बेरे बेरे हेरे बरा खरा बरा शरा बरा 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 बरा। यीशु पिता जो भी भविष्यवाणी आप उन्हें देते हैं यीशु पिता, उन्हें उनको बोलते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए यीशु पिता। सब बच्चों को मजबूत कीजिए इसके लिए यीशु पिता, शक्तिशाली बनाइए, वो इसे भयभीत ना हो जाए उसके लिए आप अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता यशायाह के 41:10 के अनुसार भयभीत ना हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ यीशु पिता। उन्हें अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता कि आपके कहे हुए शब्दों की भविष्यवाणी डरे बिना कर सके यीशु पिता, भय के बिना कर सके यीशु पिता। यीशु पिता यीशु पिता धन्यवाद कि आपने सब बच्चों में से भय की आत्मा निकाल दी यीशु पिता, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। तो दोस्तों क्या आप सबने अच्छे से प्रार्थना की? आप सबके चेहरे प्रभु के अभिषेक से भरे हुए हैं ऐसा कह सकती हूँ मैं। आज आप सबके प्राप्त किए हुए अभिषेक और सारे दर्शनों के विषय में हमें जरूर लिखिए इस ईमेल आईडी पर। बिल्कुल भूलना नहीं। मैं आपको अगले हफ्ते मिलती हूँ। बाय। Arumbugal@angeltv.org